हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू साइंस कॉन्सेप्ट। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी को अच्छे होंगे, पढ़ाई भी करते होंगे। चलिए फटाफट पढ़ाई पे कंसंट्रेट करते हैं और सभी तरह के डिस्टर्बेंस बंद कीजिए और पढ़ाई पे फोकस कीजिए। देखिए, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं सीड के बारे में, ठीक है। अभी कौन चैप्टर चल रहा है? क्लास 10 का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चल रहा है फ्लावरिंग प्लांट में, जिसमें सीड का पोर्शन पढ़ेंगे और आज कंप्लीट हो जाएगा सेक्शन। फिर अगले दिन से हम लोग देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल, ठीक है, जिसका आपको इंतजार रहता है। चलिए, तो बिना टाइम बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग सीड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो कुछ एक दो लाइन ऊपर में लिखा हुआ है, सीड इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ प्लांट। प्लांट का रिप्रोडक्टिव यूनिट सीड है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है तो सीड के थ्रू ही पॉसिबल है, ठीक है। अब देखिए, सीड इज द प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सीड क्यों बनता है? कोई भी सीड है इसका मतलब उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है। चाहे तुम कोई भी प्लांट देख लो, कोई भी पल्स देख लो, वीट देख लो, मेज देख लो, सब सीड है, सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है। तो ये सब बात है। थोड़ा सीड के बारे में कुछ पॉइंट देखते हैं। देखो, सीड होता है ना, सीड में तीन पार्ट होता है। सीड कोट होता है सबसे बाहर, सीड कोट, इम्ब्रियो होता है और इंडोस्पर्म होता है, ठीक है। देखो, सीड कोट जो होता है ना, इम्ब्रियो को प्रोटेक्शन देने का काम करता है। सही बात है, सीड कोट का काम ही है प्रोटेक्शन देना। कोट का काम होता है प्रोटेक्शन देना। और देखो, इंडोस्पर्म जो होता है ना, ये न्यूट्रिशन देता है। क्या बात है। और ये जो इम्ब्रियो होता है ना, ये न्यू प्लांट देता है। देखो, सीड जो है इसके पास एक प्रॉपर्टी है डोरमेंसी का, ठीक है। तो सीड जो स्टोर होता है डोरमेंसी फॉर्म में होता है। सीड के पास एक कैरेक्टरिस्टिक है कि वो स्टोर हो सकता है। अगर ऐसा रहता है कि कोई भी सीड स्टोर नहीं हो, सीड बना फिर वो जर्मिनेट करने लगेगा, तो सीड स्टोर ही नहीं होगा। जितना चावल उगाया, जितना गेहूं उगाया, जितना मेज उगाया, सब सीड है और वो स्टोर नहीं होगा, फिर से जम के प्लांट बनने लगेगा। तो स्टोर कैसे करेगा? आज उगाएगा तो 5 साल तक कैसे खा पाओगे? पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन सीड के पास डोरमेंसी प्रॉपर्टी होता है, जिसी के वजह से ये पॉसिबल है कि सीड को स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं यहां पर, सीड सो डोरमेंसी प्रॉपर्टी, या एज ए सीड स्टोर इन डोरमेंसी फॉर्म। डोरमेंसी मतलब क्या होता है? देखो, डोरमेंसी का मतलब होता है व्हेन सीड आर प्रेजेंट इन एक्टिव फॉर्म। सीड इन एक्टिव मतलब एक्टिव नहीं, इन एक्टिव फॉर्म में रहता है, उस समय सीड का मेटाबॉलिक एक्टिविटी काफी स्लो डाउन हो जाता है, लगभग जीरो हो जाता है, काफी स्लो डाउन हो जाता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी। मतलब उस टाइम वो रिस्पायरेशन नहीं कर पाता है जितना चाहिए करना, नहीं कर पाता है, सब कुछ अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटी को डाउन कर लेता है, इसलिए वो सीड के फॉर्म में रह पाता है ना। तो मैं लिख देता हूं डोरमेंसी का डेफिनेशन, द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ सीड व्हेन ऑलमोस्ट ऑल द मेटाबॉलिज्म ऑफ सीड आर स्टॉप, ठीक है। डोरमेंसी समझ गया। अब देखो, सीड जो होता है ना, इसका कुछ प्रॉपर्टी है। जैसे ये सीड है, तो सीड का एक कोटिलेडन है। सीड जब जर्मिनेट करता है तो एक ऊपर की तरफ पार्ट निकलता है, एक नीचे की तरफ निकलता है, ठीक है। देखो, ये आपका जो देख रहे हो ना, ये स्ट्रक्चर एक कोटिलेडन है, कोटिलेडन है, ठीक है। तो कोटिलेडन के जो ऊपर में निकल रहा है, इसको हम लोग ईपी कोटाइल बोलते हैं, ठीक है। और ईपी कोटाइल के ऊपर में आप बोल सकते हैं, इसको इरेज कर दो, रुक जाओ, ऑफ सीड आर स्टॉप। देखो, साफ साफ लिख देता हूं मैं, इपिकोटाइल के ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है ये, इसको हम लोग प्लूमरिया बोलते हैं, और यही कन्वर्ट हो जाता है सूट में, यानी जिससे ब्रांच
बनता है ना, ये कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ वाला जो पोर्शन देख रहे हैं इसको हम लोग हाइपो, पता है ईपी मतलब ऊपर, कोटाइल मतलब इकोटाइल जो है ना कोटिलेडन, तो कोटिलेडन के ऊपर वाला पोर्शन को बोलेंगे ईपी कोटाइल। ईपी कोटाइल के जो ऊपर वाला पोर्शन है, इससे भी जो आगे का पोर्शन देख रहे हो इसको हम लोग प्लूमले बोलते हैं, और प्लूमले से बन जाता है सूट। और ईपी कोटाइल के नीचे वाला पोर्शन को हाइपो कोटाइल बोलेंगे, ये पी है बउआ, ये पी है हाइपो कोटाइल। और हाइपो कोटाइल के नीचे वाला ये जो पोर्शन है इसको हम लोग रेडिकल बोलते हैं, ठीक है। और रेडिकल कन्वर्ट हो जाता है रूट में। तो एक बात यहाँ पर दिमाग में रखने वाला बात क्या है पता है, देखो रेडिकल से रूट बनता है, दिमाग में डाल लीजिए, एग्जाम में आएगा, दिमाग में डाल लीजिए, एग्जाम में आने वाला है। रेडिकल से रूट बनता है और प्लूमले से सूट बनता है। अब याद कैसे कीजिएगा, था आर से रेडिकल, आर से रूट, तो रेडिकल से रूट बनता है, तो बाकी दूसरा जो चीज है उससे सूट बनेगा, ये एग्जाम में आएगा। मत बोलना सर अलग से बताइए, हम बोल दे रहे हैं डबल फर्टिलाइजेशन एग्जाम में आएगा, रेडिकल से रूट बनता है और प्लूमले से सूट बनता है एग्जाम में आएगा। और बता दो क्या एग्जाम में आएगा, और ये भी एग्जाम में आएगा कि ओव्यूल का फर्टिलाइजेशन होता है तो सीड बनता है, और ओवरी का फर्टिलाइजेशन होता है तो फ्रूट बनता है बुआ, ये सब एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। ये सब बात हो गया। देखो अब जैसे ही सीड सुटेबल कंडीशन मिलता है उसको, जैसे कि एयर हो गया, हीट हो गया, सनलाइट हो गया, हार्मोन हो गया, तो सीड ग्रो करके नया प्लांट बना लेता है। तो मैं यहाँ पे एक बात लिख सकता हूं, वेन सीड गेट फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन, देन फेवरेबल कंडीशन सच एज एयर, वाटर, हीट, हार्मोन्स, देन बोलो सीड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू प्लांट बउआ, न्यू प्लांट। सिंपल बात है, क्या नहीं समझ में आ रहा होगा, ये बता दो। सीड का तीन पार्ट होता है, सीड कोट, एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म। सीड कोट प्रोटेक्शन देता है एम्ब्रियो को, एंडोस्पर्म और न्यूट्रिशन देता है एम्ब्रियो को, और एम्ब्रियो न्यू प्लांट देता है। सीड स्टोर होता है डोरमेंसी फॉर्म, डोरमेंसी का मतलब होता है इनएक्टिव स्टेज ऑफ सीड व्हेन ऑलमोस्ट ऑल द मेटाबॉलिक ऑफ सीड आर ऑलमोस्ट स्टॉप, ठीक है। देखो ये कोटिलेडन हो गया, कोटिलेडन के ऊपर वाला पार्ट को ईपी कोटाइल बोलते हैं, ईपी कोटाइल से प्लूमले बनता है, प्लूमले से सूट बनता है, ईपी कोटाइल के, ईपी कोटाइल सॉरी कोटिलेडन के नीचे वाला पोर्शन को हाइपोकोटाइल बोलते हैं, हाइपोकोटाइल से रेडिकल बनता है, रेडिकल से रूट बनता है। याद करने के लिए आर फोर रेडिकल, आर फोर रूट, आर फोर राइट, क्या सही बात है। फ्लूमले, फ्लूमले से सूट बनता है, ये भी याद करना की पॉइंट है। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ये जो आज वाला है ना काफी इम्पोर्टेंट है लेक्चर। अब देखो सीड को जब फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो ये सब कंडीशन मिलता है तो न्यू प्लांट बना लेता है। एक पॉइंट है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, मार्कर खत्म है बउआ, मैं रेड से लिख दू, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट, नहीं उसको पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट उसको बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट सीड, बिना सीड का जो फ्रूट बनता है उसी को पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं। तो लिख सकते हैं द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ सीड आर कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो या पॉज करके लिखो, तो फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन आर कॉल्ड, उस टाइम गलत बोल दिया था, ये सही है, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन आर कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, ठीक है।
बिना फर्टिलाइजेशन का भी फ्रूट बन जाता है, ठीक है, उसको पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं। ये इंड्यूस किया जा सकता है बाय गिविंग सम हार्मोन, कुछ हार्मोन देने से ये इंड्यूस हो जाता है। तो इट कैन बी आर्टिफिशियली इंड्यूस, लिख सकता है इट कैन बी आर्टिफिशियली इंड्यूस बाय गिविंग हार्मोन, ठीक है। तो इस तरह से चैप्टर खत्म हुआ। ये सब एक्स्ट्रा बता रहे हैं, नहीं भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना, हटा दो। तो ये क्या क्या इंपॉर्टेंट है सब बता दिए हैं। इस तरह से आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे अगले दिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल, एनिमल में पढ़ेंगे, देखेंगे। टाइम तो काफी कम है मेरे पास, देखता हूँ कैसे पढ़ाऊंगा। चलो, अगर मैं बताऊंगा आप कमेंट में बताना आपको जो भी नीड होगा, मैं आपका सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। चलो आज इतना ही रहने दो, फिर देखता हूँ टाइम मिलेगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल भी पढ़ा दूंगा, ठीक है। थैंक यू।